दोस्तों जिस पिक्चर की स्टोरी मैं 5 मिनट में आपको बताने जा रहा हूँ, उस पिक्चर का नाम है बाला। बाला के अंदर जो मेन लीड रोल के अंदर है वो है अंशुमन खुराना, भूमि पेडनेकर और अपना यामी गौतम। ये जो स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है बचपन से, स्कूल के अंदर जो अंशुमन का बचपन का रोल है वो बच्चा कर रहा होता है, उसके बाल बहुत बढ़िया होते हैं, वो अपने बालों से लड़कियों को फ्लर्ट करता है, मतलब 24 घंटे शाहरुख खान की एक्टिंग करके दिखाता रहता है, करके पूरा ये एक्टिंग करता रहता है और लड़कियों को इम्प्रेस करता रहता है। उसको अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, वो अपने टीचर भी, जो उससे टीचर होता है वो गंजा सा टाइप का होता है, वो उसको छेड़ता भी रहता है, टकला टकला इस तरह क्लासे बोलता भी है। फिर दिखाते हैं कि बड़े बड़े होते होते कि ये जो मेन लीड रोल में अंशुमन खुराना कर रहे हैं उसके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, नहारा होता है, बाल गिल रहे होते हैं, तो उसको जितना प्यार होता है अपने बालों से वो उतने बालों से झड़ने शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो हल्का हल्का गंजा होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे जो बड़ी लड़की एक उसकी फ्रेंड होती है वो होती है भूमि पेडनेकर, जिसका रंग बहुत ज़्यादा काला होता है, वो मतलब जिसे कहते हैं कि बहुत ही काली होती है वो। और जो अंशुमन खुराना जिस ऑफिस में काम करता होता है वहाँ पे एक क्रीम बनती होती है जो कालों को गोरा करती है, तो वो उसकी एक कर रहा होता है, प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, वहाँ पे भूमि को भी बुला लेता है, तो इतने में भूमि मजाक से बोलती है अपनी कैप उतार दिखाओ, वो बेचारा कैप उतारते नहीं, इतने में उसकी कैप उतार देती है, तो लोग हंसने लग जाते हैं, मीन्स कि वहाँ पे वो जो उसके प्रेजेंटेशन होती है वहाँ पे ख़राब हो जाती है, वहाँ पे अंशुमन को बहुत बुरा लगता है। फिर वो अपने फादर को जाके कोसता है कि यार क्या है यार, मेरे बाल नहीं हो रहे, और तरह तरह के उसका एक जो दोस्त होता है वो एक हजाम होता है जो शेप वगैरह करता है उसकी, उससे भी पूछता रहता है मैं क्या क्या करूँ, वो जो जो बोलता रहता है वो करता रहता है, उसके बाल आने की जगह और झड़ना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर एंट्री होती है जावेद जाफरी की, जावेद जाफरी भी उसको तरह तरह के इलाज, तू ये कर, तू उल्टा होकर बैठ जा, तू ये करते 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 210 तरह के इलाज कर लेता है पर उसके बाल नहीं आते। फिर उसको समझ आ जाती है भाई ये बाल नहीं आएंगे। इतने में जब उसका फादर होता है वो क्या करता है कि उसको एक अच्छा सा विग बना के देता है, कह रहा है भाई ठीक है, समझाता है जो चीज़ है वो तो है बट तू इससे तो अपनी लाइफ तो जी सकता है। फिर इतने में दिखाते हैं कि उसकी ऑफिस उसको ट्रांसफ़र कर रहा होता है लखनऊ के अंदर, वहाँ पे वो जाने से मना कर देता है, फिर उसका फादर समझाता है भाई तू लखनऊ ट्रांसफ़र करा ले, वहाँ से विग डाल के आ रही हो वापस तो शहर में लगेगा कि ये अपना बाल का ऑपरेशन वगैरह करा के आ चुका है। एक तरह वो जाके जा भी चुका होता है कि जहाँ पे एक जगह पे जाता है कि मेरे बालों का भाई इलाज कर दो, तो वहाँ पे कर सेटिस्फाइड नहीं हो पाता, वो मना कर देता है। इस तरह ही वो फ़ोन पे बहुत ज़्यादा होता है भाई, टिकटॉक बनाना, ये करना बनना, तो उसको टिकटॉक में मिल जाती है यामी गौतम, और दूसरी तरफ पता लगता है कि यामी गौतम ही है जो उसकी ऑफिस की जो क्रीम की एड करने लगी है, तो वो लखनऊ ट्रांसफर कराता है, वहाँ पे उसका प्यार यामी गौतम से हो जाता है, यामी गौतम दोनों मिल मिलके एक टिकटॉक बनाते रहते हैं, ये करते करते इनका प्यार बढ़ता है, परवान चढ़ जाता है, फिर ये कहते हैं हम शादी कर लें। तो अब शादी से पहले अंशुमन चाहता है कि भाई मैं बता दूँ यामी को कि भाई मैं गंजा हूँ, मेरे बाल नहीं है। वो क्या करता है, जा रहा होता है, वो कहता है चलो मैं मैसेज मारता हूँ, कर रहा होता है, वो मैसेज मारता है और मैसेज गलती से धोबी को चल जाता है। वो बड़ा खुश होता है कि भैया मैसेज सही जगह चले गया है, वो मुझे फ़ोन करेगी, इतने में यामी को तो फ़ोन कर देती है, तो वो समझता है भाई ये इसने मुझे माफ़ कर दिया, तो इनकी इस तरह शादी हो जाती है। अब शादी हो जाती है तो शादी वाले दिन ही, स्वागत वाले दिन, वो बड़े बड़ी तरह के सोचता है मैं ये करूँगा वो करूँगा, इतने में वो वेट करके करके यामी सो जाती है। सुबह उठते ही पता लगता है उसकी जो फ्रेंड होती है जो जिसका रोल भूमि ने किया है, कि भूमि का एक ये उसने इंस्टाग्राम अकाउंट बना देता है, वो उसकी मौसी बनवा देती है, उसे गोरा करके दिखा देता है, अभी उसका एक जगह रिश्ता होने लगता है, वो टूटने के तगार पे आता है, तो भूमि आगे से घर पे चलाती है, बहुत ज़्यादा तरह बोलती है और बोलती है तू खुद गंजा है, तू खुद अपने करता है, तो मुझे तो कोई उसमें है ही नहीं है कि मैं काली हूँ। तो यामी गौतम को जो पता लगता है कि ये गंजा है वो उसे छोड़ के चल जाती है, ये शादी है अगले दिन ही, वो जाके मनाता है, ये करता है, वो नहीं मानती है। इतने में यामी गौतम कुछ दिन बाद केस ठोक देती है, अभी मैं ऐसे अलग रहना चाहती हूँ, तो वो क्या करता है अभी अपना केस भी, कोई जो भूमि पेडनेकर होती है वो वकील होती है, उसको दे देता है अभी तू मेरा केस तो लड़, कम से कम तूने पंगा डलवाया तू मेरा केस लड़, तो भूमि पेडनेकर उससे केस लड़ती है, वकील बनते हैं, लड़ते हैं, थोड़े कोर्ट सीन दिखाए जाते हैं। यहाँ पे अंशुमन मान जाता है अभी ठीक है अभी मेरी गलती थी कि भाई ये इसको चाहिए कि हक है इसको भी जाने का, तो यहाँ पे उससे डिवोर्स हो जाता है। फिर वही उसको बताता है अंशुमन, कहता है अभी ठीक है जो जैसा हूँ वैसा हूँ ठीक हूँ, भाई मैं क्यों अपने आप को बदलूँ। वो दोबारा वापस भूमि पेडनेकर के पास जाता है कि भाई ठीक है मैं तेरे से शादी कर लेता हूँ। वो कहती है नहीं मेरी तो कोई एंगेजमेंट हो चुकी है भाई, पहले मैं तेरे को चाहती थी पर तू मुझे नहीं चाहता था कि काले के कारण, अब मेरी एंगेजमेंट गई होगी तो मैं उसे चाहती हूँ। इस तरह लास्ट में अब उसको वही कॉमेडी का जैसे शाहरुख खान की कॉमेडी करता होता है, तो विग डाल के हो जाता है, एंड में वो विग अपना विग भी उतार देता है
और अपने ऊपर ही कॉमेडी करना शुरू कर देता है, स्टैंडर्ड कॉमेडी, और उसको एक चीज़ को समझ आ जाती है भाई जैसे हम हैं वैसे ही बड़े हैं, बेशक मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, गोरे हैं, जो भी हैं भैया, हम अगर अपने आप से प्यार करेंगे तो लोग भी हमसे प्यार करेंगे। जैसे अंशुमन की एक्टिंग आपको पता ही है, उसको अवार्ड मिल चुका है, नेशनल अवार्ड मिल गया है, तो वो एक्टिंग हमेशा हर पिक्चर में बहुत बढ़िया करता है। इसमें भी उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे पंचेस हैं, कॉमेडी बहुत बढ़िया है। मैं अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो इस पिक्चर को 4 स्टार देता हूँ। इस टाइम 5 मिनट की पिक्चर है, इसमें इतना ही दोस्तों, अब आगे देखते रहिए मायापुरी कट।